न्यूज 18 लगातार कोरोना काल के गिद्धों को बेनकाब कर रहा है। कोरोना से जूझते मरीज को क्या चाहिए? ऑक्सीजन, दवाइयां और एम्बुलेंस। लेकिन सच तो यह है कि मरीजों के तीमारदारों को इन तीन चीजों के लिए बड़ी कीमत देनी पड़ रही है। खासतौर पर एम्बुलेंस के लिए तो लोगों को पापड़ बेलने पड़ रहे हैं। 250 किलोमीटर के लिए एम्बुलेंस चालक जरूरतमंदों से 80,000 रुपए किराया वसूल रहे हैं। बड़का एम्बुलेंस हो जाता है? जी, हो जाएगा। कितने दाम किराया होगा? 50,000 रुपया चार्ज होगा। हैं? 50,000 रुपया चार्ज होगा। कोरोना से त्राहिमाम मचा है। वायरस इंसान के फेफड़ों पर हमला कर रहा है। हर रोज ये महामारी हजारों लोगों की जान ले रही है, तो गंभीर मरीज एक एक सांस के लिए संघर्ष कर रहे हैं। कोरोना के मरीजों के लिए ऑक्सीजन और एम्बुलेंस सबसे बड़ी जरूरत बन गई है। लेकिन अफसोस की सबसे बड़ी जरूरत के लिए मरीजों के तीमारदारों से मोटी रकम वसूली जा रही है। प्राणवायु यानी ऑक्सीजन के लिए तो जेब ढीली करनी पड़ ही रही थी, अब एम्बुलेंस के लिए भी हजारों रुपए देने पड़ रहे हैं। कोरोना काल में लगातार शिकायतें मिल रही है कि निजी एम्बुलेंस संचालक कोविड मरीज और उनके परिजनों से मनमाने ढंग से किराया वसूल रहे हैं, यानी आपदा में भी अवसर नहीं छोड़ रहे हैं। तो न्यूज 18 आज यही खुलासा करेगा कि आखिर निजी एम्बुलेंस संचालक किस कदर मनमानी कर रहे हैं। कोरोना काल के मुनाफाखोरों का चेहरा बेनकाब करने के लिए हमने ऑपरेशन गिद्ध के तहत आपको दिखाया था कि दिल्ली एनसीआर में एम्बुलेंस चालकों ने किस तरह लूट मचा रखी है। तो आज हम आपको बिहार का हाल भी दिखाएंगे, जहां आपदा में अवसर तलाशने वाले गिद्धों की कमी नहीं है। हमरा सीरियस से पेशेंट तो भागलपुर में हॉस्पिटल छोटा एडमिट करे आईसीयू में, कोविड मरीज बड़का गरीब है, तो कत्ते दिया पड़ते तो जल्दी बता दे। 40,000 रुपए लगते। हमारी स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम ने सबसे पहले एम्बुलेंस सर्विस देने वाली एजेंसियों का पता ढूंढना शुरू किया। बहुत जल्द हमारी टीम को एम्बुलेंस एजेंसी की एक लंबी लिस्ट मिली, जिसके बाद हमने एक एक कर उन्हें खंगालना शुरू किया। हमारे अंडरकवर रिपोर्टर ने मरीज का परिजन बनकर इन एजेंसियों को कॉल करना शुरू किया। हमने सबसे पहले शक्तिमान एम्बुलेंस सर्विस को कॉल किया और जो सच्चाई हमारे सामने आई उसे सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। शक्तिमान से बजे छ भागलपुर ले जाए छे गाड़ी पेशेंट के लोग एनएमसीएस भागलपुर ले जाए। हाँ, भागलपुर ले जाए छे। तोहर नंबर एगो एम्बुलेंस वाला से मिल रहे हैं भागलपुर यहाँ एनएमसीएच में, तो हमरा पेशेंट का ऑक्सीजन तब उतर जाते अब ओठा से है ऑक्सीजन। हमरा सीरियस छे पेशेंट तो भागलपुर में हॉस्पिटल छोटा एडमिट करे आईसीयू में, कोविड मरीज बड़का गरीब है, तो कत्ते दिया पड़ते तो जल्दी बता दे। 40,000 रुपए लगते। 40,000 लगता है? कथी का वो अथी वाला वेंटिलेटर वाला एम्बुलेंस ना? आए वेंट वाला एम्बुलेंस में चाहिए? हाँ हाँ, वेंट वाला। हाँ, तो वाला 40,000 लग जाता है जी। कम सम नहीं होता है? पटना से भागलपुर की दूरी लगभग 250 किलोमीटर है, लेकिन 250 किलोमीटर की दूरी तय करने के एवज में शक्तिमान एम्बुलेंस सर्विस ने हमारे अंडरकवर रिपोर्टर से पूरे 40,000 रुपए मांगे। लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि शक्तिमान एम्बुलेंस सर्विस ने तो बहुत कम पैसे मांगे थे। जी हां, हमने पटना से संचालित होने वाले नालंदा एम्बुलेंस सर्विस को कॉल किया और यहां जो हमें सुनने को मिला उससे तो हमारे पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक गई। कौन हॉस्पिटल से जाना है? एनएमसीएस भागलपुर। एनएमसीएस? हाँ, तो पेशेंट छे अभी
वेंटिलेटर पर नहीं छे, लेकिन वहाँ भागलपुर ओकरा लो जाय छे, सीरियस छे, ओकरा वेंटिलेटर पर डालबे ओठा भागलपुर में। तो बड़का वाला एम्बुलेंस अगर दबो तो चल जाते। हाँ ठीक है, हम बात करके बताते हैं। तो बात करके कत्ते देर में, तो जल्दी में छे हम तो कुछ जल्दी में कहाँ से हो जाए। कत्ते ओकर किराया कत्ते छे, ओकर किराया कत्ते दिया पड़ जाते? अस्सी हजार पड़ जाता है वेंटिलेटर वाला के। तो कुछ कम सम कह दो ना, आधा घंटा में लो जाबे। ठीक है, बात ड्राइवर से पहले बात करते हैं। 40 में नहीं होता, 40 में बात करते हैं ड्राइवर से। हेलो हेलो, यानी नालंदा के संचालक ने जो कहा आप भी सुनकर हैरान हो गए होंगे, क्योंकि 40 नहीं, 50 नहीं, 60 नहीं, 70 नहीं, बल्कि नालंदा एम्बुलेंस ने तो सीधा किराया 80,000 बता दिया। तो आप समझ सकते हैं कि एक तरफ मरीजों की जान जा रही है, परिजन लगातार अस्पताल में अधिकारियों के पास गुहार लगा रहे हैं कि कोई तो जान बचा दो, लेकिन जब मरीजों की हालत चिंताजनक हो जाती है, अस्पताल अगर बदलना पड़ जाता है, वेंटिलेटर की जरूरत पड़ती है, तो ऐसे ही एम्बुलेंस चालक के पास लोग फोन करते हैं, लेकिन फोन करने के बाद मजबूरी का कैसे फायदा उठाया जाता है ये आपने सुना। यानी नालंदा एम्बुलेंस सर्विस ने 80,000 रुपया किराया बताया, हम लगातार कहते रह गए कि कम कीजिए कम कीजिए, उसने कम नहीं किया और फोन काट दिया। हमारी अंडरकवर टीम ने ये तो पता कर लिया कि बिहार में बड़ी एम्बुलेंस के लिए फिलहाल लोगों को मोटी रकम चुकानी पड़ रही है, लेकिन अभी छोटी एम्बुलेंस के किराए के फर्जीवाड़े का पता लगाया जाना बाकी था, लिहाजा हमने पटना एम्बुलेंस सर्विस के एजेंट को फोन किया। आप खुद सुनिए बड़ी और छोटी एम्बुलेंस के लिए पटना एम्बुलेंस सर्विस ने हमसे कितने पैसे मांगे। बड़का वाला एम्बुलेंस चाहिए, लेकिन अच्छा बड़ा वाला में कथी कथी रहे छे? बड़ा रहेगा ऑक्सीजन रहेगा आपका, वेंटिलेटर रहेगा, मॉनिटर रहेगा। अच्छा कितने किराया दे देबे ओकर बड़का के? भागलपुर खास जाना ना, किधर जाना है? भागलपुर खास टाउन में जाए, भागलपुर खास जाना, तो 43,000 रुपए पड़ जाएगा भैया। 43? हाँ। 35 में नहीं होता है? ना भैया 35 में नहीं होगा। छोटका है, लेकिन उसमें सिलेंडर ऑक्सीजन नहीं है भैया। अच्छा छोटका कितने पड़ जाते थे? छोटका का कब पड़ जाएगा? 20,000 रुपया। छोटका के 20,000? हाँ। जाहिर है एम्बुलेंस के किराए का कोई तय पैमाना नहीं है, मौके का फायदा उठाने वाले गिद्ध मजबूर लोगों से मुंह मांगा किराया मांग रहे हैं। मरता क्या ना करता की तर्ज पर लोगों को इन शैतानों को पैसे देकर अपने परिजनों की जान बचानी पड़ रही है। हालांकि कुछ एम्बुलेंस ड्राइवर ऐसे भी हैं जो अब भी देवदूत की तरह काम कर रहे हैं, वो लोगों की मजबूरी का फायदा नहीं उठा रहे और जायज किराया ले रहे हैं। आप खुद सुनिए पटना से भागलपुर के लिए इन दो एम्बुलेंस ड्राइवरों ने कैमरे पर हमसे कितने पैसे मांगे। तो कितना किराया? जी 12,000 रुपया सर, 12,000 रुपया। क्या सब होता है वेंट एम्बुलेंस? वेंट है, बाइपप है, सेक्शन मशीन है, इन्फ्यूजन है, निमुलाइजर है, विथ पारा मेडिकल स्टाफ है, फुली ऑक्सीजन, दो जंबो सिलेंडर रहता है उसमें जो कि फुल रहता है। शिकायतें आप लोगों के पास नहीं? हम लोग शिकायत कुछ नहीं, हम लोग तो लेटे नहीं, उसे बोल रहे हैं कि शिकायत आएगा, जो जेनुअन है यही ले रहे हैं हम लोग। इन्हें एम्बुलेंस अगर भागलपुर जाए तो 12,000? छह हजार। जाहिर है कोरोना के संकट काल में हर कोई बेईमानी पर उतारू नहीं है, कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका ईमान जिंदा है, लेकिन शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जो कोरोना से जूझती आम जनता को पैसे बनाने की मशीन समझ रहे हैं। कुछ किलोमीटर की दूरी के लिए एम्बुलेंस सेवा के एवज में हजारों रुपए वसूल रहे हैं। ऐसे में सरकार और प्रशासन को ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि भविष्य में कोई भी महामारी में मुनाफाखोरी करने से पहले 100 बार सोचे।